आपने करोड़ों रुपए का नाम सुना होगा, लेकिन प्रॉपर्टी की फील्ड ऐसी है कि जिसमें आप करोड़ों रुपए अपने सामने देखेंगे, गिनेंगे और एक वक्त पर कमाएंगे। करोड़ों रुपया जब आपके सामने ट्रांजैक्शन होती है तो आपका जो लेवल है, मोटिवेशन का लेवल, आपके एतमाद का लेवल, वो बहुत हाई हो जाता है। आप जिन लोगों से रबते में होते हैं वो कोई आम लोग नहीं होते, वो करोड़पति, जिसके पास प्रॉपर्टी है वो करोड़पति अरबपति है। तो आपके रबते में ऐसे लोग आएंगे जो आम लोग नहीं होंगे, करोड़पति और अरबपति होंगे। उनसे आप सीखते भी हैं कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने कमाया। तो आप भी इस काबिल होते हैं कि आप उन लोगों में आपका शुमार हो और आप भी करोड़पति और अरबपति की पोजीशन में जा सके। ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट में हर बंदा कामयाब होता है, बहुत से लोग कामयाब नहीं होते, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि मुसलसल इस काम का ना करना, इसको छोड़ देना। एक तरफ आपने 20-22 साल लगाए और इसका कोई आउटपुट नहीं है, और यहाँ पे आप चाहते हैं कि सिर्फ 1-2 माह के अंदर रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मुसलसल ये काम करना पड़ेगा। 6 माह के अंदर आप सीख जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस काम को कर सकें, लेकिन आपको एक टाइम चाहिए होगा, कम अज कम 3-4 साल। आप एक बहुत अच्छे रियल्टर बन जाएंगे, 3-4 साल के अंदर आपका एक नाम होगा और आप एक अच्छी रकम कमाने वाले होंगे, एक अच्छा सरमाया आपके पास होगा। एक बड़ा विजन आपको चाहिए होता है, उसके लिए उस काम का इलम होना जरूरी है, और इलम के लिए कम अज कम इतना अर्सा आपको जरूर चाहिए होगा। तो अब शुरू करते हैं कि रियल एस्टेट का काम कैसे सीखा जाए। आप किसी भी जगह जब रियल एस्टेट का काम सीखने जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको दिया जाता है वो कहा जाता है कि इन्वेंट्री इकट्ठी करो। अब ये इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री ये है कि आप उस एरिया के जो भी डीलर्स, स्टेट एजेंट काम कर रहे हैं, या मुख्तलिफ आप सर्वे करते हैं, लोगों ने घरों के ऊपर, अपार्टमेंट के ऊपर लिख कर लगाया होता है कि फॉर सेल, फॉर रेंट, तो आप वहाँ से उन लोगों का नंबर लेते हैं, उनसे रब्ता करते हैं, या मुख्तलिफ जो डीलर्स उस एरिया का काम कर रहे होते हैं, उस एरिया के जो डीलर्स हैं उनसे आप रब्ता नंबर लेते हैं, उनसे जाके मिलते हैं और उनको बताते हैं कि आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। उनके पास जो चीज़ें बिकने के लिए आती हैं वो आपको बताते हैं कि ये चीज़ हमारे पास बिकने के लिए आई है। साथ वो आपको ये भी कहेंगे कि ये चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ भी आप नोट करेंगे। आप मुख्तलिफ लोगों को मिलते जाएंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक चीज़ जो एक ऑफिस वाला कह रहा होता है कि मुझे चाहिए, वो दूसरा या तीसरा ऑफिस वाला बता रहा होता है कि उसके पास वो चीज़ बिकने के लिए आई हुई है। तो इस तरीका से आप वो चीज़ उसको देते हैं कि जी ये मेरे चीज़ पास, ये प्लॉट, ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप इन्वेंट्री इकट्ठी करते हैं उस एरिया से, उस इलाका से, जिस इलाका में आपने काम करना हो। तो सबसे पहला स्टेप हुआ कि आप सेलेक्ट करते हैं कि किस एरिया का, किस सोसाइटी का आपने काम करना है, फिर उस सोसाइटी के बारे में मुकम्मल मालूमात लेते हैं, वहाँ पे सर्वे करते हैं, जाते हैं, देखते हैं उस सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें ऑफर हो रही हैं, प्लॉट है, अपार्टमेंट है, घर हैं, क्या प्राइस है। फिर आगे हम बात करेंगे कि प्लॉट की डायमेंशन क्या होती है, साइज क्या होती है, इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे जो बुनियादी चीज़ें हैं रियल एस्टेट के बारे में, लेकिन अभी मोटी मोटी चीज़ों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने वो चीज़ें जो हैं वो नोट कर ली, वो सारे उस सोसाइटी से मुतल्लिक जो भी आपके डीलर्स एजेंट मिलेंगे, आप उनसे वो नोट करेंगे, उनके एड्रेस नोट करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट आप कागज़ पर भी अपनी डायरी में बना सकते हैं, आप कंप्यूटर में, वर्ड में, या एक्सेल शीट बना सकते हैं। अब आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जो बिकने के लिए तैयार है, जो लोग बेचना चाह रहे हैं। अब दूसरा इसका मरला है कि आप कहाँ से ढूंढें, कहाँ से सर्च करें जिन्होंने ये प्रॉपर्टी लेनी है। सबसे पहले आप व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उन डीलर्स को कहते हैं कि हमें, मुझे एक ग्रुप में ऐड कर लो। तो उस ग्रुप में बहुत से लोग, बहुत से डीलर्स ऐड होते हैं, जो कि आपको वहाँ पे मिलेगा कि बहुत से लोग बेच रहे हैं, बहुत से लोग खरीद रहे हैं। तो आपने ध्यान से वहाँ पे देखना कि इसमें से कौन सी चीज़ आप बेच सकते हैं जो किसी को रिक्वायर्ड है, या अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो आप उस ग्रुप में डालें कि ये चीज़ मुझे चाहिए। तो इस तरीका से आप चीज़ अपनी जो है प्रोडक्ट उसको बेच सकते हैं। उसका अगला जो स्टेप है वो है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के ऊपर मतलब जो प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म है, या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, दीगर जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, आप उसके ऊपर उस प्रॉपर्टी को पोस्ट करते हैं, मतलब रियल एस्टेट के ग्रुप ज्वाइन करते हैं। वहाँ से कस्टमर आपके पास आना शुरू होता है, आपको कॉल्स आती हैं कि जी ये प्रॉपर्टी आपने पोस्ट की हुई है,
इसको मैं खरीदना चाहता हूँ। तो इस तरीका से आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं और आप अपने जितने भी दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं सबको बताते हैं कि आपने रियल स्टेट को ज्वाइन कर लिया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बता सकेंगे कि मैंने इस्लामाबाद में एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया जो कि पिछले 23 साल से रियल स्टेट सेक्टर में काम कर रही है और एक अच्छा प्रोफाइल रखती है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप अपने कस्टमर को अपने दोस्तों अहबाब को बताएंगे कि आप रियल स्टेट की एक अच्छी कंपनी से जुड़े हुए हैं और आप रियल स्टेट में काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके दो भी दोस्त अहबाब जो जानने वाले हैं अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना लेना चाहते हैं या उनका कोई दोस्त लेना या बेचना चाहता है तो वो आप उनको कहें कि वो आपको रेफर करें। जब आपको रेफर किया जाएगा तो यकीनी तौर पर उस डील में आप कमाएंगे। अब इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है, यकीनी तौर पर एक वीडियो में ये सब कुछ नहीं बताया जा सकता। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मैं वीडियो डालता जाऊँगा, आपके जो सवाल होंगे इसके हवाला से वो भी इंशाल्लाह ताला मैं साथ ही बताता जाऊँगा ताकि आपको बेहतर तरीक़ा से इसकी मालूमात हो सके कि प्रॉपर्टी की फील्ड में रहकर कैसे कमाया जा सकता है और कैसे अपना घर बनाया जा सकता है और कैसे करोड़पति बना जा सकता है। इसके ऊपर मुसलसल मैं वीडियो डालूंगा। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं रियल एस्टेट का काम तो इंशाल्लाह ताला आपको हमारे चैनल से यकीनी तौर पर फायदा हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो भी वीडियो मैं डालूँ आप उसको देख सकें। आप कुछ भी जानना चाहते हैं, जब मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इसके ऊपर, ओनली व्हाट्सएप है, आप इस पर रब्ता करें, सवाल डालें तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला के ऊपर मैं मुसलसल जो है आपको वीडियो दूंगा जिससे आपको काफी ज्यादा रियल एस्टेट के ऊपर नॉलेज होगा, ताकि अगर आप रियल एस्टेट को एज ए कैरियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इससे फायदा हासिल करें। नौजवानों के लिए मेरा स्पेशल मैसेज है कि वो इस फील्ड में आए, इसको ज्वाइन करें और अपने ख्वाबों को पूरा करें। यकीनी तौर पर रियल एस्टेट भी एक ऐसी फील्ड है जो आपके ख्वाबों को पूरा कर सकती है। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। अब रहिए बाखबर। मज़ीद इन्वेस्टमेंट ऑफर्स और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।